अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, आज मैं आपको कट कैपरी तैयार करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। व्यूवर्स, ये कैपरी मैं नॉर्मल साइज में तैयार करूंगी। कपड़े को खोलकर लंबाई में रखें। ये किनारी वाली साइड कपड़े की लंबाई है। अरेब कपड़ा कटिंग करें। अब अपने ट्राउज़र से लंबाई मेजर करें। कैपरी की लेंथ 36 इंच है। अब कपड़े पर 2 इंच पर मार्क करें। ये मार्क इलास्टिक के लिए है। अब इस मार्क के नीचे से लेंथ पूरी करेंगे। 36 इंच पर मार्क करें। एक मार्क हाफ इंच के गैप पर लगाएं। अब इस लंबाई वाले मार्क से कपड़े को लंबाई में डबल करें। व्यूवर्स, यहाँ तक कपड़ा लंबाई में डबल है। अब इस डबल कपड़े से नीचे वाला कपड़ा लंबाई में 2 इंच ज़्यादा पर मार्क करें। 2 इंच ज़्यादा रखा गया कपड़ा कैपरी की बैक साइड होगी। दोनों पीस सेंटर से कटिंग करें। फ्रंट और बैक साइड के दोनों पीस लंबाई में डबल करके ऊपर नीचे रखें। लंबाई में 2 इंच ज़्यादा रखा हुआ पीस नीचे रखें। साइड से 2 इंच का फासला रखकर ऊपर सेट करें। नीचे हाफ इंच पर सिलाई का मार्क करें। ऊपर वाले पीस पर 2 इंच का मार्क इलास्टिक के लिए लगाएं। अब यहाँ से कैपरी की चौड़ाई मेजर करें। तकरीबन 15 इंच है। आसन मेजर करें। 13 इंच है। 13 इंच पर आसन का मार्क करें। यहाँ से कैपरी की चौड़ाई 16 इंच रखें। अब साइड का ऊपर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करें। अब आसन वाला मार्क 2.5 इंच लंबा करें और स्क्वायर बनाकर गुलाई करें। साइड पर भी इस तरह से आसन के बराबर पर मार्क करें और इस मार्क पर स्केल को इस तरह थोड़ा सा तिरछा रखकर मार्क करें। नीचे से मार्किंग ऊपर वाले कपड़े के बराबर करें। अब इस कटिंग किए हुए पीस को सेम इसी शेप में ऊपर वाले कपड़े पर रखें और इसी शेप में कटिंग करें। अब साइड से कपड़े को इस तरह से सिलाई की गुंजाइश पर फोल्ड करें और पैंचा 6.5 इंच पर मार्क करें। कटिंग का मार्क 8 इंच पर लगाएं। अब नीचे से स्केल हल्का सा तिरछा रखें और मार्क करें। अब ऊपर की तरफ हल्का हल्का तिरछा करते जाएं और इस मार्किंग को आसन की मार्किंग से अटैच करें और कटिंग करें। अब इसी शेप में स्टिचिंग के लिए मार्किंग करें। ऊपर से सिर्फ नीचे वाले कपड़े पर स्केल को इस तरह से तिरछा रखकर मार्क करें और कटिंग करें। नीचे वाले कपड़े पर भी फिटिंग की मार्किंग करें। अब नीचे से सिलाई की गुंजाइश छोड़कर 2.5 इंच पर कट की लंबाई का मार्क करें। व्यूवर्स, कैपरी की कटिंग कंप्लीट है। आइए अब स्टिच करते हैं। पहले ऊपर वाले कपड़े के पीस उठाएं और आसन को सेम कटिंग वाली शेप में सिलाई लगाएं। इसी तरह नीचे वाले हिस्से को आसन से स्टिच करें। आप दोनों पीसेस ऊपर नीचे रखें और साइड की सिलाई स्टार्ट करें। साइड
साइड की सिलाई यहाँ कट के मार्क पर स्टॉप करें। दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाते हुए इसी तरह कट के मार्क पर स्टॉप करें। व्यूअर्स, यहाँ तक कैप्री की लुक ऐसी होगी। ये देखिए साइड की सिलाई इस तरह से कट के मार्क तक होगी। अब इस तरह पैंचा खोल कर रखें और सेंटर से सिलाई को प्रेस करें। दूसरी साइड से भी इसी तरह प्रेस करें। अब नीचे पैंचे की फोल्डिंग के लिए 4 इंच की लंबाई से कपड़ा कटिंग करें और नीचे से चौड़ाई इस तरह पैंचे के मुताबिक रखते हुए कटिंग करें। अब इस तरह कैप्री की सीधी साइड पर रखकर फोल्डिंग का कपड़ा स्टिच करें। कपड़े को बाहर की तरफ करते हुए एक सिलाई किनारी पर लगाएं। अब यहां से इस तरह कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करें और ऊपर वाली साइड की सिलाई के बराबर पर मार्किंग करें। व्यूअर्स, ये देखिए नीचे वाली सिलाई बिल्कुल ऊपर वाली सिलाई के बराबर है। इसी तरह दूसरी साइड पर कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई के मुताबिक मार्किंग करें और सिलाई लगाएं। व्यूअर्स, देखिए दोनों साइड की कट की सिलाई ऊपर और नीचे से आमने सामने अटैच हैं और इस तरह से सीधा करें। कोना अच्छी तरह बाहर निकालें। व्यूअर्स, देखिए कितना नीट कट तैयार हुआ है। अब नीचे से इस तरह कपड़ा फोल्ड करें और तरपाई करें। अब फिटिंग की सिलाई लगा लें। अब कैप्री में इलास्टिक डालेंगे। पहले फ्रंट साइड से स्टार्ट करते हुए सिंगल बारीक फोल्ड करें। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से सिंगल फोल्ड सिलाई लगेगी। इलास्टिक को डबल करके रखें और 14 इंच कटिंग करें। टोटल लेंथ 28 इंच रखें और सेंटर से सिलाई लगाकर बंद करें। अब फ्रंट साइड की आसन की सिलाई के दोनों साइड पर 5-5 इंच पर मार्क करें। इलास्टिक का सेंटर बनाएं। अब फ्रंट आसन की सिलाई से स्टार्ट लें। आसन के एक साइड के मार्क तक सिलाई लगाएं। और इस तरह से आसन के दूसरी साइड के मार्क तक सिलाई बंद करें। अब यहाँ तक इलास्टिक दोनों साइड से बंद है और बुकरम पट्टी की तरह तैयार हुई है। अगर आप चाहें तो बुकरम भी लगा सकती हैं। अब इसके साथ ही सिलाई स्टार्ट करें और कपड़ा फोल्ड करते हुए इलास्टिक के साथ साथ सिलाई लगाएं। अब चुनट बराबर करें। व्यूअर्स, देखिए यहाँ फ्रंट में इलास्टिक में खिंचाव नहीं है, बाकी चुनट बराबर कर लें। अब एक सिलाई इलास्टिक के सेंटर में लगाएं।
वीवर्स, कैप्री की स्टिचिंग कंप्लीट है, बहुत खूबसूरत और नीट कट कैप्री तैयार हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और उर्दू गर्ल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।